यूथ कांग्रेस ने आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली का स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन किया। यूथ कांग्रेस का कहना है कि रीट परीक्षा का प्रदेश में सफल आयोजन किया गया। इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के साथ ही अध्यक्ष डीपी जारोली की अहम भूमिका रही। उनके मार्गदर्शन से ही नकल करने वाले गिरोह को पकड़ा गया और सफलता के साथ इस परीक्षा को आयोजित करवाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी व अन्य नेता बेवजह मामले को तूल दे रहे हैं और उनके कार्यकाल में किस तरह का काम हुआ है और किसने भ्रष्टाचार हुए हैं उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, हमने उनको माला पहनाकर बुक्के देकर सम्मान किया है। जो रिट का हजारों विद्यार्थियों ने पेपर दिए हैं, पेपर बिल्कुल सफलतापूर्वक हुआ है, पारदर्शिता से हुआ है। लेकिन कुछ नेता जिनको केवल झूठी वाहवाही लेनी है, जो खुद अजमेर के पूर्व शिक्षा मंत्री है, उनके कार्यकाल में इतने भ्रष्टाचार हुए उन्हें वो नहीं दिख रहे, और जो खुद अपने पद के आ गए डॉक्टर लगाते थे, जो हमने पूर्व में यूथ कांग्रेस से प्रदर्शन करके हटाया, जो खुद फर्जी डिग्री लेके घूम रहे थे, जिनकी बच्ची की खुद की फर्जी डिग्री का मामला है, वो दूसरे के गिरेबान पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे। शिक्षा मंत्री होने के नाते उन्होंने आज तक भी कोई पेपर में किसी भी तरह का कोई उजागर नहीं करा। लेकिन जो जालोरी साहब है, उन्होंने परीक्षा के अंदर इतने पुख्त इंतजाम करे, जब पता चला कि चप्पल में किसी प्रकार का कुछ यंत्र लगा हुआ है, तो दूसरी बारी में बच्चों की चप्पल खुला दी। हर तरह से पारदर्शिता है, लेकिन उसके बाद भी जो नेता हैं, केवल बीजेपी के नेता झूठे, जो हजारों विद्यार्थी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गहलोत सरकार ने इतनी योजना निकाली, उसका सभी को लाभ मिलना चाहिए। सागर मीणा, सचिव शहर कांग्रेस कमेटी, अजमेर।